नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। राजद द्वारा स्मार्ट मीटर और जिया राशि को लेकर धरना प्रदर्शन। मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के नेताओं ने राजद के पूर्व विधायक रामविलास पासवान की अध्यक्षता में स्मार्ट मीटर और बाढ़ पीड़ित परिवारों को जिया राशि को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्मार्ट मीटर का जोरदार विरोध किया गया है। वहीं पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के दियारा इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों को जीआर राशि जल्द से जल्द देने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन के बाद नेताओं ने बीपीआरओ कामेश्वर नारायण को ज्ञापन सौंपा है। पीरपैंती से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता देवमुनि कुमार की खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में स्मार्ट मीटर के सवाल पर आज धरना प्रदर्शन था। स्मार्ट मीटर नहीं, यह स्मार्ट चीटर है, यह स्मार्ट डकैत है। ये डकैत मीटर के विरोध में पूरे बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल जो है आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जो है देने का काम किए हैं कि ये स्मार्ट चीटर को हटाइए। और क्या जरूरी पड़ गया, आज 20 साल में तीसरा मरतब जो है इन्होंने जो है मीटर को चेंज करवा रहा है आज ये। और यह कानून भी नहीं है, यह सरकार कानून ही बनाया, सरकार के कानून भी नहीं है। जो स्वेच्छा से लगा सकता है वह स्मार्ट मीटर भी लगा सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो चाहेगा इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर आपको पैसा देगा, लेकिन ये तो जबरदस्ती करवा रहा है। ये सुशासन सरकार के प्रशासन को आदेश देकर के गांव-गांव में जो है जबरदस्ती लगाने का काम कर रहा है। कहीं कहीं पुलिस जा करके जो है धताने का काम करता है, कहीं कहीं बिजली विभाग के स्टाफ धताने का काम करता है और गरीबों को डराता है, कहता है नहीं लगाइएगा तो केस हो जाएगा, आप पर केस हो जाएगा। और कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हम लोग हैं और बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो जेआर की राशि या जीआर की जो राशि मिलती है सहायता, वो अभी तक नहीं मिल पाई है, उसको मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड में धरना देकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन अभी माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग देने जा रहे हैं। यही मुख्य मुद्दा है हम लोगों का। कुछ जीआर राशि में राशन कार्ड का नियम लगाया गया है, उचित है क्या? देखिए, कोई नियम नहीं है, ये सरकार की काम करने की मंशा है। और ये स्मार्ट मीटर और बाढ़ की जो तबाही आया है ये सरकार का अंतिम है। उन्होंने मीटर रीडर से फोन करके पता करता है कि आखिर मेरा रिचार्ज कैसे खत्म हो गया। ये कह रहा है कि आपका ये जो मीटर लगा है इसका पेमेंट इतना हो रहा है, 750 रुपया पर महीना करके कटेगा। आज वो जो बता रहे हैं 250 रुपया महीना कटेगा, किनको किनको जानकारी, हमारा 1000 रुपया कट के ये चुका हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिजली मीटर जो है हम लोग के यहाँ पे 4-5 रुपया यूनिट था, आज उस यूनिट के अपेक्षा भी हमें मैसेज दिया जाना चाहिए कि हमारा 5 रुपया यूनिट के दर से आपका 100 यूनिट जला, 100 यूनिट का आपका रिचार्ज भी 500 रुपया हो रहा है। ऐसा तो हमें बताया नहीं जा रहा है और पेमेंट कब कब काट लेता है हम लोगों को किसी को पता नहीं चलता। इस कारण से ये स्मार्ट मीटर फ्लॉप है। जिलाधिकारी का आ रहा था, उसका 2400 रुपया आ रहा है, जिनका 2400 आ रहा है उनका सीधा दुगुना आ रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है ये स्मार्ट मीटर को लेकर। पहले स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट फोन चलाने की क्षमता नहीं है गरीबों को, स्मार्ट मीटर लगा के क्या करेगा, कहाँ रिचार्ज करेगा, ये संभव नहीं है और यह चल नहीं पाएगा। एक्चुअल में हम लोग अपने से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग पूरा सर्वे करा के देख लिए, पूरा बिल्कुल स्मार्ट मीटर चीटर मीटर है, वह चीट कर रहा है। या मोबाइल जैसे आप लोग अभी चला रहे हैं, जैसे आप लोगों का इसका रिचार्ज समाप्त होगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, उसी तरह से बिजली समाप्त हो जाएगा। 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, 3 बजे भोर में समाप्त होगा, कहाँ रिचार्ज करेगा गरीब? गरीब मोबाइल नहीं देखा है, वो रिचार्ज कहाँ कराएगा? और उसमें भी क्या है कि दुगुना बिल। दूसरा क्या है
कि बाढ़ पीड़ित में जो है, जो हमारे क्षेत्र की मेन समस्या है, दियारा क्षेत्र है, टीकर क्षेत्र है, एक तरफ सुखाड़ से जूझ रहा है, एक तरफ बाढ़ से जूझ रहा है। जी आर राशि जो है यह बार बार सिस्टम बदल रहा है और हर वार्ड में 2,000 रुपया वार्ड को तैयार करके यह अंचलाधिकारी रखा है और तहसीलदारी करवा रहा है, उसको उसकी रोक लगाई जाए और उस पर FIR हो जो इस तरह की बात कर रहा है, और पूरा सर्वे करा के जो हकीकत है वह जी आर राशि मिले। और फसल क्षति आपूर्ति हमारे क्षेत्र में मिर्चा की फसल समाप्त हो गया, मकई की फसल समाप्त हो गया, सब्जी का फसल समाप्त हो गया, चारा का भी व्यवस्था नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं, सरकार हर मुद्दे पर विफल है। इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ है और स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में नहीं लगनी चाहिए, हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। चलिए मुखिया जी के लिए हो रहा है, जोरदार विरोध कर रहा है। पप्पू यादव जी जो है सदन में आवाज को उठाए, सुदामा प्रसाद जी सांसद सदन में जो है उठाए, और कई सांसद जो है सदन में उठाए, तेजस्वी यादव विधानसभा में भी विरोध कर रहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं है या चीटर मीटर है, इसलिए इसको नहीं लगाने देंगे, जाकर के नहीं लगना चाहिए। और आप देखिए पीरपैती के 14 पंचायत में जाकर के जो है बाढ़ से जो है घेरा हुआ था, अभी जो है बदबू आ रहा है, ब्लॉचिंग पाउडर नहीं दिया, आप चारा जो है मवेशी का नहीं दिया, आदमी को सही से किचन जो है नहीं चलवाया, आदमी तरसता रह गया धूप में और बरसों में, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक रहा, प्लास्टिक था रखा हुआ रह गया, लेकिन ये भ्रष्ट जो है ये अंचलाधिकारी भ्रष्ट, इन्होंने जाकर के जो है पलोथिन तक जो है वितरण नहीं किया, सारे पलोथिन को रख लिया, लगता है कि इसका जो है घर से लग रहा था, किचन में भी नहीं देना चाह रहा था, प्रत्येक सांझ का देना चाह रहा था। तो हम लोग किसी तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से बात करके